मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में जनसंवाद कक्ष का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस सुविधा से जन समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर सुविधाजनक और उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा। इस प्री फैब्रिकेटेड संरचना का निर्माण 117 लाख रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिमला में उनके सरकारी आवास और कार्यालय में प्रदेश भर से आने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों स्थानों पर उनके बैठने के लिए ना तो उपयुक्त स्थान था और ना ही कोई सुविधा। लोगों को गलियारे में खड़ा रहना पड़ता था, विशेषकर महिलाओं, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वर्तमान में प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही इस समस्या के समाधान के लिए दोनों स्थानों पर जन संवाद सदनों का निर्माण किया। अब इन दोनों स्थानों पर बैठने की पर्याप्त सुविधा है और अब लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए खड़े नहीं रहना पड़ता है। इन जन संवाद सदनों में बैठने की उचित व्यवस्था के अलावा टीवी, जल, हीटिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला कांगड़ा के धर्मशाला में भी इसी प्रकार की सुविधा सृजित की गई है, जहां सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हैं और लोग आराम से बैठकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। इससे पूर्व लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जन सुविधा के लिए शेष सभी जिला मुख्यालयों पर भी इस प्रकार के सदनों का निर्माण करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जिला मंडी में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों से 1019 किलोमीटर नई सड़कों की मेटलिंग और 980 किलोमीटर सड़कों की रीटायरिंग और मेटलिंग के अलावा 582 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया गया है। इस अवधि के दौरान जिला मंडी में 63 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया, जबकि 22 पुलों और 75 नए भवनों का निर्माण भी किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमेशा हमने इस बात को देखा है कि जनप्रतिनिधियों से लोग समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा मिलने के लिए आते हैं, और विशेष तौर से जब मुख्यमंत्री का प्रवास जिला मुख्यालय में होता है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि लोग वहाँ खड़े होकर के घंटों तक इंतज़ार करते हैं। बैठने की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट जाना हो उसकी व्यवस्था नहीं, पानी पीना हो उसकी भी ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं। इस दृष्टि से मैंने सबसे पहले शिमला अपने निवास से, मुख्यमंत्री निवास से शुरुआत की, और शुरुआत करने की वजह यह है कि हमने भी उस मुख्यमंत्री आवास में लाइन में खड़े होकर के अपने कागज़ मुख्यमंत्री को दिए हैं, और कई लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद भी, जो है वहाँ पर मौसम ख़राब है और उसके बावजूद भी वहाँ पर बाहर ही खड़े होकर के मुख्यमंत्री से मिलना होता था। तो वहाँ से हमने शुरुआत की संवाद सदन की, और उसके बाद सचिवालय में किया, उसके बाद धर्मशाला, जो हमारा कांगड़ा जिला जो सबसे बड़ा जिला है प्रदेश का, वहाँ शुरुआत की। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये सुविधा हमने हिमाचल प्रदेश में अब मंडी जिला में भी जिला मुख्यालय में की है। लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास जब आना होता है तो एक व्यवस्थित ढंग से उनकी बात सुनने की एक जगह होनी चाहिए, जहां वो अपनी बात कह सकें, उनको आराम से मिल सकें, उनको अलग से बात करनी है उसके लिए भी व्यवस्था हो। उस दृष्टि से ये प्रयत्न यहाँ पर है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मंडी में भी ये एक शुरुआत हुई है, और इसका निश्चित रूप से जो मंडी के लोगों को और लोगों के साथ साथ में जनप्रतिनिधियों को भी एक बहुत बड़ी सुविधा होगी लोगों से मिलने की। थैंक यू।